फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज इंद्रासिस। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। सो फाइनली मैं आज भी एक नया वीडियो लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए है। एंड यस, ये वीडियो है मेरा सैडल बैग के ऊपर। मैं पहले सैडल बैग में इन्वेस्ट नहीं किया हूँ यार, आप लोग तो जानते ही हैं पहले से हम लोगों को मतलब कितना एक्सपेंस झेलना पड़ता है। तो मतलब एक ऊपर टूर होता है, उसके आगे अगर आप देखेंगे तो टूर के साथ बाइक का मेंटेनेंस वगैरह एंड ईच एंड एवरीथिंग अकेला मुझे ही संभालना पड़ता है। सो यस, मैं पहले सैडल बैग यूज़ नहीं करता था और धीरे धीरे मैं थोड़ा थोड़ा करके सेविंग करके मैं अपना सैडल बैग ले चुका हूँ। एंड यस, दिस सैडल बैग व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू इज वन ऑफ द बेस्ट वन इन दिस सेगमेंट। ये बहुत ज़्यादा दाम नहीं है, ये लगभग आपका 3500 के आसपास अंदर में ही होगा। इसका प्रॉपर कितना प्राइस हो रहा है आज की डेट पे, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो यस, बेसिकली ये है मेरा राइनॉक्स का सैडल बैग। एंड दिस इज द सैडल बैग मैं जो खरीदा हूँ, ये आपका 40 लीटर्स का सैडल बैग है। तो मानिए ये सैडल बैग का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आई एम प्रीटी मच इम्प्रेस्ड विद द क्वालिटी ऑफ द बैग। और मैं अभी इसको अमेजोन से परचेस किया हूँ और इसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, सो यू कैन जस्ट हैव अ लुक। अगर आपके बजट में आता है तो डेफिनेटली यू कैन बाय। ये लगभग सारे गाड़ी में आपका आ जाएगा, मतलब जो भी बजट के हिसाब से जो गाड़ी है। मैं RS 200 में यूज़ करता हूँ, उसके बाद मैं जो एक नया गाड़ी लिया हूँ उसमें भी मैं यूज़ करता हूँ, ग्लैमर है। और आपका डोमिनर में भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली आप इसको हर एक गाड़ी में यूज़ कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं इसका प्रोज एंड कॉन्स एंड स्टे ट्यून्ड। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं प्लीज 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 डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। नीचे लाल बटन दबा के आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और यस, घंटी दबाना मत भूलिए। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये है मेरा राइनॉक्स का बैग। एंड यस, दिस इज द क्वालिटी। यस, दिस इज द क्वालिटी। एंड सबसे पहले मैं आपको बोल देना चाहता हूं कि ये है एक राइट का एंड लेफ्ट का, दीज आर द टू बैग्स। एंड यस, ये 60 लीटर का बैग है एंड नॉट 40 लीटर्स, आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूं कि इसका वेट आपको लगभग 1 किलो के आसपास होगा, 1 किलो ईच। बहुत ही स्टेडी एंड बहुत ही अच्छा क्वालिटी का बैग है। द बैग इज टू गुड। और सबसे बेस्ट चीज मुझे लगा है कि ये ऐसे करके आप इसको ये बंद करके रख सकते हैं। सो अभी क्या है, मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ टैगिंग मिल जाता है एंड इम्पॉर्टेंट टिप्स हाउ यू कैन यूज दिस बैग एंड फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। यहाँ पर राइनॉक्स का स्टिकर है एंड उसके साथ ही आप यहाँ पर नेम प्लेट वगैरह ये सब है, ये सब मैं साइड में रखता हूँ। और स्टार्टिंग विद दिस, ये एक ऊपर का फ्लैप जैसा है, इसका बकल बहुत ही गुड क्वालिटी, इसका बकल का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। एंड ये स्ट्रैप आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर बाहर में मिल जाता है, ये आप थोड़ा ज्यादा बड़ा करके इसके अंदर में आप रोल करके अपना टेंट स्लीपिंग मैट्रेस वगैरह ये सब ले सकते हैं। ये हो गया एक। सेकेंड ऑफ ऑल, आपको यहाँ पर ऐसे करके इसको ओपन करना पड़ेगा एंड दिस इज द इंटीरियर। सो इंटीरियर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरा हाथ इतना तक अंदर चला जाता है। सो यू कैन जस्ट इमेजिन द स्पेस यू आर हैविंग।
एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर आपको फ्लोरेसेंट कलर एक मिल जाता है जो बहुत ही अट्रैक्टिव है। और ये कलर देने का एक ही चीज है कि अंदर में आपका कोई भी चीज, आपका कुछ भी चीज होगा तो ये आप लूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसका और एक चीज है, इसका जो क्वालिटी है, ये मटेरियल का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। जब तक आप हाथ में नहीं लेंगे तब तक आपको मालूम नहीं चलेगा। और यस, ये ड्यूअल प्रोटेक्शन लेयर के साथ आता है, एक है ये अंदर का प्रोटेक्शन लेयर और ये है बाहर का प्रोटेक्शन लेयर। फिर भी ये टोटली वाटरप्रूफ नहीं है, लेट मी कोट यू, ये टोटली वाटरप्रूफ नहीं है। इसको मैं अंदर रख देता हूँ। ये है आपका मेन कंपार्टमेंट, ये है आपका मेन कंपार्टमेंट, सो दिस इज द मेन कंपार्टमेंट। उसके बाद आ जाता है इसका एक और कंपार्टमेंट, ये सेकेंडरी कंपार्टमेंट है। और यहाँ पर भी आपको बहुत सारा चीज रखने को, मतलब क्विक एक्सेस चीज रखने का एक कंपार्टमेंट मिल जाता है, बहुत ही खूबसूरत है। और बाहर की तरफ अगर आएंगे आप, यहाँ पर एक साइड पॉकेट मिल जाता है आपको, ये साइड पॉकेट आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसके ऊपर एक रिफ्लेक्टर दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा है, जो आपका पीछे की तरफ रहेगा, यह रिफ्लेक्टर आपको पीछे की तरफ रहेगा। एंड उसके साथ ही आपको यहाँ पर एक बॉटल रखने का कंपार्टमेंट मिल जाता है। एंड यस, एक बहुत ही अच्छा चीज है, आप यहाँ पर ये बॉटल का जो होल्डर है, यहाँ पर आप बहुत ही इजीली अपना फ्यूल कैरी कर सकते हैं। मतलब एक 2 लीटर का अगर आप बॉटल ले लेते हैं तो 2 लीटर्स एंड 2 लीटर्स 4 लीटर्स का आप पेट्रोल इजीली कैरी कर सकते हैं यहाँ पर। एंड नीचे की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत आपको एक पैडिंग मिलेगा। एंड यस, दिस इज अ एक्स्ट्रा पैडिंग। एंड यहाँ पर एक आप देख सकते हैं कि किसी भी मतलब कंडीशन पे अगर आपको यहाँ पर कुछ पानी वगैरह घुस जाता है अंदर से इस जगह से, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से स्लिप आउट होके निकल जाएगा। लेट मी सो यू, यस दिस वन, ये एक बहुत ही अच्छा जुगाड़ है जो कंपनी खुद यहाँ पर बना के दिया है। एंड लेट मी शो यू समथिंग, यहाँ पर कुछ बकल वगैरह है जहां पर आप अपना ये बैग, ये जो बकल है, ये बकल लगा के आप इसको पीछे की साइड से आप इजीली इसको स्ट्रैप को बांध के अपना सैडल के ऊपर, सैडल स्ट्रे के ऊपर रख सकते हैं। सो ये आप जो देख पा रहे हैं, इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। एंड मैं एक चीज बोल देना चाहता हूं कि ये टोटल वाटरप्रूफ नहीं है, इट इज नॉट टोटली वाटरप्रूफ। वाटरप्रूफ के लिए आपको अलग से एक यहाँ पर इसका रेन लाइनर, रेन कवर जो भी बोलते हैं, यहाँ पर उसका ब्रांडिंग के साथ यहाँ पर आता है राइनॉक्स का। दिस इज व्हाट इट लुक्स, दिस इज समथिंग व्हाट इट लुक्स। सो ये जो बैग आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसके साथ ही मैं दूसरा बैग आपको लेके एक बार दिखाता हूं। ये ऊपर के साइड में जो स्ट्रैप वगैरह है, ये जो बकल है यहाँ पर, ये बकल का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। ये देखिए यहाँ पर आपको जो स्ट्रैप है, मतलब दो बैग जो इधर और इधर है, ये वाला और ये वाला, दोनों ऐसे दो साइड पे आपका लग जाएगा। एंड यहाँ से आपको इसको कस देना है। एंड यस, नॉट नाउ लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द स्टिचेस। अगर आप लोग गौर से इसको देखेंगे तो इसका स्टिच, इस बैग का स्टिच का कंडीशन बहुत ही खूबसूरत है। मतलब आपको कहीं पर भी स्टिचेस में आपको कुछ फ्लॉज नहीं मिलेगा। एंड यह है आपका बैक साइड जो आपके टायर के सामने रहेगा। एंड यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है कि इनकेस अगर यह टच भी कर जाएगा तो आपको थोड़ा सा साउंड मिलेगा। एंड ये प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो ऊपर का सेक्शन है, यहाँ पर आपको मिलेगा डर्ट सैक, राइनॉक्स का ब्रांडिंग, और ये एक हार्ड कवर है।
और इसके ऊपर एक हैंडल भी मिल जाएगा जिससे आप ये बैग कैरी कर सकते हैं। बहुत सारा आपको इधर उधर स्ट्रैप मिल जाता है जहाँ पर आप कुछ और चीज़ें यहाँ पर हैंग कर सकते हैं। सो हो गया आपका ऊपर की तरफ, एंड लेट मी शो यू वेरी क्लोजली इसका स्टिचेस कैसा है। दिस इज ओनली मेंट फॉर द स्टिचेस। मैं इतना क्लोज ले रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को इधर का स्टिच आपको देख पाए। आई होप ऐसा देख लीजिए, इसका स्टिचेस का कंडीशन बहुत अच्छा है, स्टिच बहुत ही बारीकी से किया गया है। या राइनॉक्स का जो भी बोलेंगे आपका, इसका प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा होता है, डेफिनेटली इसका प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा होता है। एंड यस, मुझे इसका दाम पड़ा था 3200 या 3400 के आसपास मुझे इसका कॉस्ट पड़ा था। सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, आप अगर चाहते हैं तो आप वहां से खरीद सकते हैं। एंड लेट मी शो यू द रेन कवर। रेन कवर का भी स्टिच बहुत ही अच्छा है, एंड देख पा रहे कि इसका स्टिच अच्छा है। मतलब ओवरऑल आपको ये लेकर पछतावा नहीं पछताना पड़ेगा। तो देखिए, मैं जो मतलब बहुत ही टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा, ये एक छोटा सा रिव्यू था मेरा बैग के ऊपर। अभी मैं इसको दिखाऊंगा आपको कैसे माउंट करता है मेरे बाइक में, तो उसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा। पर एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, इसका क्वालिटी इज रियली वेरी गुड, एंड आपको कुछ वहाँ पर ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा कि यह बैग लग। हाँ, पर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, ध्यान में रख लीजिए कि यू विल हैव टू यूज अ सैडल स्टे। सैडल स्टे होना अनिवार्य है, इट इज मैंडेटरी। अगर सैडल स्टे नहीं भी होगा तो मतलब एक रिस्क आ जाएगा कि बोलूंगा कि डू यूज योर सैडल स्टे, या फिर नहीं भी यूज कर सकते तो कुछ जुगाड़ बना लीजिए कि सैडल स्टे। मैं तो अपना सैडल स्टे खुद डिजाइन किया था और उसको इंस्टॉल किया था मैं जब सिक्किम में गया था उस टाइम पे, और वो बहुत ही अच्छा था। एंड वो लगभग 2000 के अंदर में मेरा टॉप रैक एंड सैडल स्टे दोनों हो गया था। तो वो स्टेनलेस स्टील का था, उसका वेट भी बहुत कम था। और अगर उसका वीडियो मैं ऊपर लिंक आई बटन में दे दूंगा, सो आप वहां से देख सकते हैं कि मैं कैसे उसको डिज़ाइन किया था, कैसे नहीं। एंड बहुत ही कम पैसे में वो हो गया था, एंड इट वॉज वेरी स्ट्रांग, रियली वेरी स्ट्रांग। सो दिस इज वॉट आई मेन टू शेयर विथ यू। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा फॉर व्हाटसोएवर रीजन, डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ लाइक। दिस इज इंद्रासिस साइनिंग ऑफ, हैव अ गुड डे, एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मेरे इस चैनल पे आपको बहुत सारा बाइक्स एंड कार रिलेटेड ऐसा बहुत सारा वीडियोज आपको मिल जाएगा। अभी लॉकडाउन का टाइम है, बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, सो टूर्स एंड ट्रेवल अभी बंद है, इसी से काम चला रहा हूँ और प्रिपेयर हो रहा हूँ अपना नेक्स्ट बड़ा एक राइड के लिए। छोटा मोटा राइड कुछ आने वाला है कुछ ही टाइम पे, देखते हैं, प्लान आउट करते हैं, लॉकडाउन के टाइम है क्या कर सकते हैं। दिस इज इंद्रासिस साइनिंग ऑफ, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, एंड यस, बी सेफ, स्टे एट होम, बी सेफ, बाय।